दोस्तों, आखिर कैलाश पर्वत पर चढ़ने से कौन रोक देता है पांव, और आखिर क्यों आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ने में सफल नहीं रहा। हम दुनिया की सभी पर्वत चोटियां पर जा चुके हैं, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया, तो आखिर क्या वजह है इसके पीछे, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर आज तक करीब 7,000 लोग जाकर आ चुके हैं, जिसकी ऊंचाई करीब 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि उसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी कि 6,638 मीटर है। दोस्तों, अब तक ये रहस्य ही बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, और बिना सही दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। कई साल पहले एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत पर बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव किरणें भी मौजूद है। इसके अलावा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत का स्लोप भी 65 डिग्री से ज़्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह करीब 40 से 60 डिग्री तक ही है, जो इसकी चढ़ाई को और भी मुश्किल बनाता है। ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ पाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। दोस्तों, रूस के एक पर्वतारोही सर्गी सिस्टियाकोव अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे तैसे नीचे आते गया, मेरा मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले साल 2001 में की गई थी, जब चीन में स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि कहा जाता है 92 साल पहले, यानी कि साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे थे। वे एक ऐसे इंसान थे जो इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने में सफल रहे, और इसका उल्लेख कई पौराणिक किताबों में भी मिलता है। फिलहाल आज के समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है।